हेलो दोस्तों, आज हम आपको वैशाली से लेके दुहाई डिपो तक का फुल अपडेट देंगे कि कितना काम आर आर टी इसका हो चुका है, कितना बचा है। यहाँ तो वैसे अभी इस वैशाली में तो इधर की साइड तो अभी कमी काम है, लेकिन आगे ज़्यादा प्रोग्रेस अच्छी है काम की। इधर भी अभी पिलर का काम अभी यहाँ पे हुआ नहीं है, क्योंकि एक पिलर का बेस तैयार करने में ही 2 से 3 महीने लग जाते हैं। यहाँ पर पिलर वो देखिए, छोटा छोटा सा पिलर है, लेकिन वो बन चुका है। यहाँ पे पिलर तैयार हो चुका है, ये भी तैयार हो चुका है पिलर। पिलर का काम तो इधर कंप्लीट है। ये जो सामने देख रहे हो आप, ये कंटीन होटल है। ये कंटीन होटल के सामने से जो काम है वो है दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, एक लॉन्चर नीचे रखा हुआ है, ये लॉन्चर भी ऊपर लगाया जाएगा, जिससे कि काम को थोड़ा तेजी से किया जा सके, क्योंकि आगे थोड़ा पीछे पिलर तैयार हो चुके तो उनको कंप्लीट करने के लिए लॉन्चर का इस्तेमाल होगा। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ भी एक लॉन्चर लगा हुआ है, जब ये भी एक लॉन्चर लगा हुआ है और आगे भी पीछे भी रखा हुआ था एक लॉन्चर, तो इसका मतलब काम थोड़ा तेजी से करने के लिए डबल डबल लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ भी आप देखिए, ये लॉन्चर लगा हुआ है, क्योंकि पीछे से आ रहा है, करता हुआ है काम, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करता हुआ आ रहा है, तो आगे भी एक लॉन्चर लगा रहे, जिससे आगे काम और तेजी से चल सके। बिजली के खंभे भी लगने स्टार्ट हो गए हैं ऊपर। वैसे तो अब नीचे का अर्थवर्क का काम तो कंप्लीट हो चुका है, बस ऊपर ऊपर का रेल की पटरी वगैरह, उनका बिजली के खंभे वगैरह, उन्हीं का काम अब बचा है इधर की साइड को। जो वैशाली से आगे जा रही है वो तो जा रही है सुरंग के थ्रू जाएगी, उसकी टनल तैयार हो रही है उसके। लेकिन सबसे पहले जो चलाएंगे, ये दोहाई से लेके साइवा तक 17 किलोमीटर का जो वो है, वो सबसे पहले ट्रेन चलेगी, 2000 अगले साल तक चल जाएगी, मार्च तक। इधर भी सारा आप देख रहे हैं, अर्थवर्क का काम सब कंप्लीट हो चुका है, बस ऊपर का ही काम शेष बचा है। चलो आगे देखते हैं।
दोस्तों, ये साहिबाबाद का RRTS का स्टेशन है। इसकी अपडेट हमने पहले भी दी थी, लेकिन अब काफ़ी काम में प्रोग्रेस हो चुकी है यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा स्टेशन का आकार लेने भी लग गया, काफ़ी काफ़ी काम हो चुका, क्योंकि दुहाई से लेके इसी स्टेशन तक सबसे पहले अगले साल तक RRTS जो चलेगी वो सबसे पहले यहीं तक चलेगी। इसलिए देखिए सारा कंप्लीट, बिजली के खंभे वगैरह भी सब लग चुके, दोनों साइड लग चुके। रेल की जो पटरी है उनका काम ऊपर चल रहा है। दोस्तों देखो, एक लॉन्चर इधर भी लगा हुआ है, ये गाजियाबाद की साइड से आ रहा है। ये अर्थला कॉलोनी की साइड से आ रहा है, रेलवे लाइन है। इस समय हम रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर से चल रहे हैं। दोस्तों ये अब हम पहुंच चुके गाजियाबाद। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये RRTS का काफी बड़ा स्टेशन बन रहा है, जो गाजियाबाद में बन रहा है। काफी बड़े एरिया में, काफी बड़े, इसको काफी बड़ा बनाया जा रहा है। इसके अंदर गाड़ियों की पार्किंग भी दी जाएगी, तो इसलिए इसको, इसका स्पेस काफी बड़ा रखा गया है। इधर भी पिलर का काम तो हो चुका कंप्लीट, अब पिलर का ऊपर का बेस तैयार होगा। काम की जो स्पीड है वो काफी तेज है इस समय। लॉन्चर भी पीछे देखा, कई लॉन्चर लगे हुए हैं। इधर भी देखो, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करके ये पूरा कंप्लीट कर लिया, अब ऊपर का काम चल रहा है। तो इसलिए काम की जो रफ्तार है वो तो काफी तेजी से चल रही है सर। आने वाले टाइम में मेरठ से अगर दिल्ली आना है तो लोगों को बड़ी अच्छी सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये 180 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से चलेगी, तो इसकी स्पीड भी काफ़ी होगी। तो इस वजह से लोगों को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और थोड़ा टाइम की भी बचत हो जाएगी। और सबसे अच्छा है कि फ्यूल की, अगर अपने वाहन से आते तो फ्यूल की भी बचत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो बेहतर होना चाहिए, जिससे कि सड़कों पे थोड़ा जाम की समस्या भी कमी हो जाएगी। मेट्रो की जो स्पीड है वो थोड़ी कम है, लेकिन इसकी स्पीड काफी अच्छी है। इसका हमने एक डमी आई है RRTS की, जो डमी उसका कोच की एक डमी आई है, उसकी हमने वीडियो भी डाली है। वैसे एक्चुअल कोच भी आने वाले हैं, 2 से 3 महीने के अंदर आने वाले हैं, हम उसकी भी वीडियो बना के डालेंगे। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी नीचे सब काम कंप्लीट हो चुका है, बस ऊपर का वर्क बचा है।
दोस्तों हम इस समय गुलदर आरआरटीएस स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ये जो है हम गुलदर में जो स्टेशन बन रहा है आरआरटीएस का, उस पर है। ये भी अपना स्टेशन का आकार लेने लग गया कि इसमें भी काफी हद तक काम हो चुका है। ये भी काफी बड़ा स्टेशन बन रहा है, लेकिन इसके थोड़े जो पिलर हैं वो थोड़े से हाइट उनकी थोड़ी कम है, क्योंकि जो पहले ट्रेन चलेगी वो चलेगी दुहाई, दुहाई से जाएगी गुलदर, गुलदर से गाजियाबाद, गाजियाबाद से साहिबाद। इतने बीच के हिस्से में पहले ट्रेन चलेगी अगले साल तक, मार्च तक 2023 तक। तो इसलिए गुलदर का भी स्टेशन सबसे पहले तैयार होगा, गाजियाबाद का भी होगा इसी साल तैयार हो जाएगा, साहिबाद का भी और दुहाई का भी। ये चार स्टेशन सबसे पहले तैयार होंगे। जो पूरी ट्रेन चलेगी वो चलेगी 2025 तक, मेरठ से लेके सरायकाले खान दिल्ली तक। तो वो उसमें अभी समय है, लेकिन काम फिर भी वैसे तेजी से चल रहा, हो सकता है 2025 से पहले ही इस काम को ये कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमने दिल्ली में भी कई अपडेट दिए हैं तो वहाँ भी काफ़ी काम हो चुका है। अब अगर आप सरायकाले खां का स्टेशन भी देखोगे, उसका अब देंगे अपडेट, उसमें भी काफ़ी हमने देखा है वो स्टेशन का आकार काफ़ी हद तक लेने लग गया है। हम आपको दुहाई डिपो तक लेके चलेंगे। डिपो में वहीं पे इसकी आरआरटीएस की जो मेंटेनेंस है वो सब वहीं उधर ही होगी, और उधर ही इनके सबके हेड ऑफिस वगैरह सब बनने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग वगैरह बिल्डिंग भी वहीं बनी हुई है इसकी। तो आज हम आपको वहीं तक की पूरी अपडेट देंगे।
दोस्तों हम दुहाई पहुंच चुके हैं। ये दुहाई का आरआरटीएस का स्टेशन बन रहा है, ये भी काफ़ी बड़े एरिया में बन रहा है। अब देखना आप यहाँ से स्टार्ट होता है लेकिन ये काफ़ी दूर तक अपना स्टेशन बन रहा है। ये किस हिसाब से बनना है ये तो बनने के बाद ही पता लगेगा। क्योंकि इसमें एंट्रेंस एग्जिट दोनों बनेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इधर भी पिलर, इधर भी पिलर। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, काफ़ी दूर तक ऐसे पिलर पिलर इधर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ये? इधर एक मेंटेनेंस का भी, अब मेरे लेफ्ट साइड में आपको लेके चलूँगा जिधर ये दुहाई डिपो बनना है। तो गाड़ी जो आरआरटीएस जो ट्रेन है वो ट्रेन अपने डिपो में कैसे जाएगी, तो उसके लिए भी इधर की साइड, इसलिए यहाँ पर वो डबल पिलर से थोड़ा हिसाब उसका ये है कि उसका इंटरचेंज भी शायद इधर की साइड ही बनेगा। क्योंकि मेंटेनेंस के लिए जो जाएगी डिपो उसके लिए भी आगे वो बनने पिलर वगैरह, तो उसी का कोई हिसाब के लिए ज़्यादा पिलर दे रखे हैं इधर की साइड। आप देखो कितनी दूर से लेके यहाँ तक पिलर ही दोनों साइड हो गए, तो इनका यहाँ पर स्टेशन का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा लंबाई में दिया जाएगा। अब ये जो लेफ्ट साइड में हम ये मुड़ेंगे ये डिपो के लिए जा रहा था, अब ये हम डिपो की तरफ जा रहे हैं, दुहाई डिपो की तरफ। जो सीधा रास्ता था हम सीधे नहीं गए, वो सीधा मेरठ के लिए जा रहा, हम लेफ्ट साइड मुड़ गए थे। तो यहाँ की वीडियो किसी ने अपडेट दिया नहीं है, हम आपको अपडेट दे रहे हैं। ये आरआरटीएस का जो डिपो, ये जो पिलर वगैरह बनने हैं, जो मेंटेनेंस के लिए गाड़ी आएगी इन्हीं पिलर के ऊपर पूछ जाएगी, वो आगे जाके मेंटेनेंस का वर्कशॉप वगैरह सारा बन रहा है। आगे ही इसकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग भी बन रही है जिसमें यहाँ पर सारा कंट्रोल होगा इसका, आरआरटीएस का। ये काफ़ी बड़ी एरिया में, ये पहले किसानों की ज़मीन थी, इसकी पूरी एक्वायर करके पूरा काफ़ी बड़े एरिया में इसका डिपो बन रहा है। इधर जो लेफ्ट साइड में ये सारे खेती की ज़मीन है, यहाँ पे ये सारी खेत है यहाँ पे आगे। लेकिन जो राइट साइड में पूरा ये डिपो में काफ़ी दूर तक 1-2 किलोमीटर तक का जो एरिया है पूरा ये आरआरटीएस का पूरा डिपो बनाया जा रहा है, जिसमें पूरी मेंटेनेंस वगैरह होगी गाड़ी की। आगे ही इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग भी बनी हुई है। दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों हमने वैशाली से लेके दुहाई डिपो तक की फुल अपडेट दी। इधर की वीडियो अभी तक किसी ने वैसे डाली नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि एक अपडेट डिपो तक की दे दी जाए। तो ये जो राइट साइड में जितना भी काम है ये सारा आरआरटीएस के डिपो का ही काम चल रहा है, और जो राइट लेफ्ट साइड में वो सारा खेती की जमीन है। आगे गांव है जिनकी खेत हैं, ये गांव का नाम तो हमको मालूम नहीं, लेकिन
आगे गांव पड़ते हैं जो किसानों की खेती है। यहाँ पे ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग ही बन रही है। राइट साइड में आप काफी बड़े एरिया में हैं, वो सारा मेंटेनेंस की पूरी वर्कशॉप है। ये करीब एक से दो 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 किलोमीटर के एरिया में सारा वर्कशॉप है। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।